Good morning, class 8th, 7th. This will be your lecture 1 of chapter 9. बेटा ये आपके chapter 9 का lecture 1 है, जिसमें हम cyber threats and crimes के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, कि cyber threats and crimes क्या हैं? तो introduction. New technology is being released every day. New gadgets have some form of internet access, but less plan for security. This presents a very serious risk. Each unsecured connection means vulnerability. There are many different threats to your computer safety, as well as many different ways a hacker could try to steal your data or infect your computer. Online criminals are trying to make their money quickly and as easily as possible. There are many different threats to computer system and the data stored on them. These threats increased considerably when computers started to be networked with the internet. Hence, data security has become one of the most important considerations in managing a computer system. Data security is about keeping data safe. If the data on computer system is damaged, lost or stolen, it can lead to a disaster. ठीक है, तो है क्या, जब से नई टेक्नोलॉजी आई है बेटा, मतलब जब से आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, ठीक है, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट मोर. ठीक है, हम लोगों ने इंटरनेट का यूसेज बहुत बढ़ा दिया है. अब आपने सबने सुना होगा कि इंटरनेट ज्यादा यूज करने से हमारा डेटा चोरी हो जाता है, या हमारे कुछ पर्सनल फाइल्स चोरी हो जाते हैं, या पर्सनल आपके जो ईमेल्स हैं, या आपका कह सकते हो जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, वो सब चोरी हो जाती हैं, फिर हमें हैवी लॉस को सफर करना पड़ता है. ठीक है, तो ऐसे में हमें पहले तो अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है, जिससे कि हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारा डेटा चोरी ना हो. ठीक है, चलिए. डेटा थ्रेट्स एंड इट्स कॉजेज. डेटा चोरी कैसे हो सकता है और उसके रीजंस, मतलब कैसे उससे बचा कैसे जाए, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कैसे चोरी होता है. ठीक है, द की थ्रेट्स टू डेटा सिक्योरिटी आर दैट द डेटा मे गेट लॉस्ट और डैमेज्ड ड्यूरिंग अ सिस्टम क्रैश अफेक्टिंग द हार्ड डिस्क. तो आपका डेटा या तो लॉस्ट हो सकता है, मतलब खो जाए, या फिर डैमेज हो जाए. ठीक है, किसकी वजह से, आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाने की वजह से. ठीक है, सिस्टम क्रैश कैसे होता है, जब आपके मतलब उसमें हार्ड डिस्क में बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है और हार्ड डिस्क आपकी काम नहीं कर पाती है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम क्रैश हो जाना. ठीक है, तो अगर सिस्टम क्रैश होता है तो आपका पूरा का पूरा डेटा लॉस हो जाएगा. ठीक है, मतलब कहां खो जाएगा पता भी नहीं चलेगा. करप्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी डिस्क डिस्क ड्राइव्स और पावरफुल फेलियर्स और पावर फेलियर्स. तो आपका डेटा करप्ट हो सकता है, करप्ट एज इन फिर वो दोबारा ढंग से काम नहीं करेगा, चल नहीं पाएगा. ठीक है, उसमें बहुत सारी फाइल्स मिसिंग हो जाएंगी. ठीक है, तो ये आपकी फॉल्टी डिस्क, फॉल्टी डिस्क मतलब खराब डिस्क की वजह से हो सकता है, या डिस्क ड्राइव की वजह से, या फिर आपका एकदम से पावर का वो हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, मतलब एकदम से लाइट चली जाए, तो आपका जो भी डेटा आप काम कर रहे हो वो लॉस हो सकता है. इसके लिए ही हमें कंप्यूटर में बेटा यूपीएस का यूज करना चाहिए. ठीक है, लॉस्ट बाय एक्सीडेंटली डिलीटिंग और ओवरराइटिंग फाइल्स. आपका एक्सीडेंटली डिलीट हो सकता है डेटा गलती से, तो ऐसे में भी आपका डेटा खत्म हो जाता है, तो उसके लिए भी क्या करें वो देखते हैं. हैक्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स एंड गेट डिलीटेड और ऑल्टर्ड. तो या तो किसी ने हैक कर लिया और उसके बाद वो आपका डेटा, एक तो उसके पास है वो डिलीट भी कर सकता है, उसके ऊपर से उसे चेंज भी कर सकता है आपके खिलाफ. ठीक है, मतलब आपके अगेंस्ट में यूज कर सकता है. डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल डिजास्टर्स एक्ट्स ऑफ टेररिज्म और वॉर. या फिर आपका डेटा किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से लॉस हो जाए, जैसे आपका कहीं पे भी वो आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, है ना, या जैसे अभी एक नेचुरल कैलामिटी हुई है, आप लोग सब लोग सुन रहे होंगे उत्तराखंड में, है ना, तो ऐसे में अगर हमारा कोई कंप्यूटर सिस्टम वगैरह उस एरिया में है और वो किसी कैलामिटी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो भी आपका डेटा लॉस हो जाता है. या फिर टेररिज्म की वजह से, मान लो जैसे ताज होटल में अटैक हुआ था, तो उस टाइम पर टेररिज्म
की वजह से आपका बहुत सारा डेटा लॉस हुआ होगा, ठीक है। फिर डिलीटेड और ऑल्टर्ड बाय एम्प्लॉइज विशिंग टू मेक मनी और टेक रेवेन्यू ऑन द कंपनी और एम्प्लॉयर। तो या तो आपके ही किसी साथ वाले ने ऐसा कर दे कोई, ठीक है, या तो आपके साथ वाले ही कोई ऐसा कर दे जिससे कि आपको नुकसान हो, तो ऐसे में भी आपका डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा डेटा लॉस के बारे में था कॉजेस। तो इस लेक्चर में आपके पास इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।